इसके अलावा और क्या है, क्योंकि महंगाई भी है, उसके खिलाफ भी हमें लड़ना है, इसलिए बहुत से मसाइल जब हम एजेंडे पे आ जाएंगे इंशाल्लाह ताला मुआशी मुआशरती जो भी मसाइल वो हल हो जाएंगे। असल चीज़ है हमारे जहनों की सफाई, हमें अच्छी चीज़ पे आ जाए, अच्छे प्लेटफॉर्म पे आ जाए, अच्छे एजेंडे पे आ जाए, और अच्छा एजेंडा मेरे ख्याल पीस से ज़्यादा और कोई एजेंडा नहीं। अगर हम सब मिलकर पीस की बात करें, अगर हम सब मिलकर पीस के एजेंडे पे आ जाए तो इंशाल्लाह ताला हमारा हर मसला हल हो जाएगा। ये खुदा ही हुक्म, ये पैगंबर का हुक्म है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी मुकम्मल साबित है हयात, कोई एक भी शोदा के नबी ने हमारे लिए छोड़ा नहीं, हर मकसद का हल बता दिया। फरमाया जब आप नेकी के तरफ एक दूसरे से ताउन करोगे, अच्छाई के लिए एक दूसरे से ताउन करोगे, इंशाल्लाह ताला मुल्क के जितने मुआशी मुआशरती और जो है मसाइल वो सब हल हो जाएंगे इंशाल्लाह। दूसरा कोई गुरु हवाले से और भी बातें सामने आई हैं, ये जो गुरुबती है उसके हवाले से या कोई फीस लेने के हवाले से और उससे ज़्यादा रकम लेकर गाड़ी में पट्टी लगाने की, ये इस हवाले से मैं अगर करूँ, पहली बात ये है कि हमारे कोई फीस जो इस नाम पर अगर लोगों से पैसे वसूल कर रहे हैं, पैसे बटोर रहे हैं, तो इससे कमेटी से हमारा, इससे लोगों से हमारा कोई वास्ता नहीं है, सीधी सी बात बता दें। मेरा कैमरा के बता दें जी सर। और दूसरी बात ये है कि जहाँ तक नंबर प्लेट का मसला है, जहाँ तक ब्लू लाइट का मसला है, तो आपने शायद 3 दिन पहले मेरा एक इंटरव्यू शाया हुआ था काफ़ी अखबारों में, जिसमें मैं नाम कुछ लेता हूँ, तुलु अखबार भी मैं चलाता, शराफत अखबार में भी चलाता, और भी पता नहीं कौन कौन से अखबार में आए थे, जिसमें हमने वाजे कर दिया था कि जनाब अला ये जो इशू था इसको हमने फिलहाल इसलिए बिल्कुल क्लोज कर दिया है, बिल्कुल नंबर प्लेट और इन चीज़ों को इसलिए हमने ख़त्म करे, क्योंकि मिस यूज़ बहुत हो रहा है, लोग मिस यूज़ बहुत कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला हमें जैसे ही नेक्स्ट हमें पॉलिसी आएगी, नेक्स्ट कोई भी ऑर्डर आएगा, तो उसके बाद हम अपना लाया मत इंशाल्लाह ताला लोगों को बताएंगे। इस टाइम नंबर प्लेट वगैरह को हमने बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। जी सही, अमन कमेटी या सोर्सेज छाइन है या तंजीम के लिए हवाले से कमेटी करे फाइनेंशियल एड्स किताब वेरी मार्के बनात है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो धमाके का पो है, जो 9/11 जो वाक्य थो उनका पोए पूरी दुनिया में एक तासुर आम थी चुको है, स्पेशली यूरोप या अमेरिका में, तो कें तरह से पाकिस्तान के दहशतगर्द करार दई उन्हें अटैक कर उन वक्त में माता एक वाजे कर असो कें सियासी जमात से को तल्लुक है, पर उन वक्त में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के जस हो जाए सलाम हो जी जला वतन हुई उन्हें दुनिया के बीहन दिनों एजेंडो दिनों तो बजाय इनके तहके मुल्क के अटैक कर कें मुल्क से जो हमलो कर चाहे पाकिस्तान के हमले मसल एटमिक वॉर माना थर्ड वर्ल्ड वॉर उनका थर्ड वर्ल्ड वॉर का मतलब करोड़ मानो की जान बने इन्हें बने तो बेहतर है तो पूरी आलम इस्लाम के और पूरे आलम के जे मजाब मजहबी टकराव बाबा ये मुसलमान किया ये क्रिश्चन किया ये फलान किया ढमाकी किया तो मोहतरम अच तभी के टेबल से आने टेबल टॉक्स किया जेको जेको जेजो जेको जेजो कन्फ्यूजन आ उन कन्फ्यूजन के तहत दूर कर इंशाल्लाह इन मसले के टेबल से भी हल कर मोहतरमा के चूंकि शहीद किया वो इन पर्यो इजलास मोहतरमा की शहादत का प्रेसिडेंट जरदारी जैसे अस पाकिस्तान सदर थो पर्यो इजलास यूएन में थो जैमें तकरीबन 6-8 मुल्क के जो नुमाइंदन शिरकत कई जैसी पूरी मेजबानी जॉर्ज डब्ल्यू बुश उन वक्त प्रेसिडेंट जो अदा कई पूरे अखराज जो किंग अब्दुल अजीज अदा क्या सऊदी फरमान वालों कोई बाकायदे उन कमेटी जो बुनियाद तो गाल आई तो जैसे इनके अस अहवाल या बंद कमर ती या एसी रूम तहदूद रखो तो एजेंडो को कामयाबी बेहतर यो तो इनके असर रूट लेवल तक खड़ी वे आम मूँ तक पीस की जरूरत आम मूँ की जैसे फुल सूट टाइम पाए उनके उ कमर में बंद पे उन बिजनेस में सियासत में उनके टाइम को एजेंडे के कमेटी रूप दिनों वो बाकायदे अड़ी तरह तकरीबन 6-8 मुल्क में जो भी एंटी ह्यूमिनिटी एजेंट हों फॉर एग्जाम्पल जैसे पाकिस्तान में टेररिज्म जो इशू आने का इशू ही हुआ वे का इशू दहशतगर्दी जो तो इन कर कौमी अमन कमेटी में डॉक्टर साहब पे बुधा तो अस कमेटी जो एजेंडा पीस एंड इंटरफेथ हारमोनी अमन उन बैन मजाब हम आ ठीक है जी
तो इन वक्त अस पाकिस्तान में कम क्यों पाया, एंटी टेररिज्म कम क्यों पाया, मांग के अवेयरनेस पैदा करने की कोशिश पाया क्यों, तो दहशतगर्द और दहशतगर्दी इस्लाम समेत दुनिया के कें दीन में जायज़ को या दहशतगर्दी को जैसे अस जिहाद के नारा बुधाई था। जिहाद एक मुनज़म हुकूमत ऐलान कर सी, मुनज़म फौज भी डी सके थी। असाया चंद मू वे जैसे ट्रेनिंग एक बेहे दियन बंदूकों बम उनके हथ में दियन उनके नारा जिहाद दियन, यह जिहाद को या दहशतगर्दी है, खुली दहशतगर्दी है। छोटे को दीन दुनिया जो ये तक मासूम मानू की जिंदगी वे हुक्क हों तुम कें बम फिट कर मू मासूम मरी वन जो कें गोलू हणी बर्स हणी तुम मारे वो ये कें दुनिया दीन में जायज को उन्हीं शय के सामू रखे इन अमन कमेटी एजेंडो शुरू किया वर्क शुरू किया। हिंसर भी अस हर मानू के जहन में ये अवेयरनेस पैदा करने की कोशिश पा क्यों तो इंसान की जान बचा पूरी इंसानियत की जान बचा एकड़े इंसान जो कतल पूरी इंसानियत जो कतल है। असा जैसे एकड़े इंसान के भी अवेयरनेस दई वी यह गाल समझा वी तो जनाब अल जो बम ब्लास्टिंग जो खुदकुश हमलो यो गलत यो जो दहशतगर्दी हराम जो मौत है इंशाल्लाह असा अमन कमेटी एजेंडो कामयाब। अच्छा साईं मुल्क में दहशतगर्दी की या टेररिज्म की जी है डेफिनेशन या डिस्क्रिप्शन के उन हवाले से चंदा धाड़ा पुरू कबायली अड़ा दहशतगर्दी टेररिज्म लफ्ज है वो कें भी इंसान के वजूद के खत्म कर धाड़ा फुरू लुटू ये सब उन हिस्सा मत बुधाई छो कें इंसान के तुम परेशान कद चाहे माशरती कें हिसाब से या माशरती हिसाब से परेशान जैसे को थे तो वह दहशतगर्दी जुमरे में अच्छी असि कोशिश है अज जैसे तवे शहर में आया सौ ब सौ मान बुदी दादा हि शे खराब उनमें दहशतगर्दी तुम अची वही उनमें तुम धाड़ा फुरू लुटू सब अची चुम तरस त असो इन गाल का सवा पे को मकसद को अस मुल्क मजबूत थे जैसे जै मुल्क में धाड़े हूँ दहशतगर्दी होंगे फुरू लुट होंगे तो मुल्क मजबूत कें मजबूत उन ही कंडीशन में थी जैसे अमुन हों जैसे पीसरी गाल होंगी अज जैसे तक पीसी गाल अची वही समझ में असा जार पंज मांग ज्यादा ही गाल सही है पर जैसे असा पीसी जो मतलब समझ में नहीं अमरों जो मतलब समझ में नहीं जार अस फुरू लुटन के आम समझे अल प्य हल असो मकसद यो अस हर एंगल से हर तरीके से कोशिश यहाँ क्यों तो अस मुल्क मजबूत बस छोटे मुल्क की मजबूती में ही असि मजबूती है। खुदा न कर फुरू लुटू वन थी डाका बदमाशू जिनाओं पुछड़े वन थी तो बुधा सा मुल्क मजबूत ही अस हर शहर एंगल से कम करो पर अस इनिशियल स्टेट से मत यो अरह में ना थियन या इवन वीह में ना थिया हूँ वीह महीन की असि वर्किंग खुदा जो शुक्र है एहसान अस लोन यह वक्त पाकिस्तान में अस चार लख वॉलंटियर कम कन पाया मुख्तलिफ कोन में कश्मीर पंजाब गिलगित बलोचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा हर एक छहठ मुल्क उनका सवाल तो समझा तो जैसे एतरा मू जिनके जहन में गाल अची है दादा बुराई बुराई है चंगाई चंगाई है तो मुझे ख्याल में सारी वही गाल अस वू पा घुरू पा अस घर था खाऊ खुदा जो कसम खड़ी माता चाह जैसे को गवर्नमेंट सर्वेंट को अहदेदार को सियासी लीडर प्रेस के थ्रू खुली तो बुधा अकेलो मानू तो घर खाई सके आजाद कर मोहम्मद अली जनाब तारीख हलाई और के खाए जो और वो केड़ो जज्बो हो नहीं जैसे मुल्क के आजाद करने वो जज्बो अची सके तो मुल्क बचाया को नहीं तो अस बलोचिस्तान में आए सरदारों से मिले आए असंगे सरदार रोई चो असी सरदार जिन रोई चाहिए साई अस नचन फौज का दुश्मन है अस बलोच कौम आयो गैरतमंद कौम है इन सरजमीन तक जान दियण वाली कौम आयो अस अग्न करें असें मुल्क का कम तो वे तुम फौज के वी अचो अस हाँ अस में कुछ नाम निहाद हैं कुछ मफाद परस कुछ विकल हैं अस पकड़े उनके फौज के हवाले तक क्यों अस मौको तो जो यो कड़ो जज्बो यो वो जज्बो जो पाकिस्तान के आजाद करना हो आ चाहता जब तुम मूसा गल हलो दूर दराज इलाक में हलो
जिनके खबर कान सियासत अच्छा है जिनके यो खबर कान त सा खाऊ पियो किताब पाकिस्तान दी गल ता कयो खुदा यो कसम उचाना जिए पाकिस्तान असा यो सर गुरा सा कुर्बान हलो ता सा ये जज्बा है उने जज्बे के साफ ही उजागर के जागर ता के ता चतो सतुर रहो ता सा साथ जो असा नु खामी हु जो असो गलतियों होंगे अस पाक को पर किथे कि जैसे वो मकसद आ नंढड़ी गलती गलतियों के हेडा कर मकसद के साथ इंशाल्लाह इज्जत का जारी था ये कें शख्स जो कम को कें इंसान जो कम को अमीन शाह जाए सुबह मरी वो अस गोटा जाए सुबह मरी वो नागर साहब आया जाए सुबह मरी वो ये मकसद फौत न थे खबरें ये मकसद फौत न थे बस सही आपने पुलिस से जाहिर की तो पे वो भी किया कैन साहब ने हां सुई के अंदर जो बलूचिस्तान का एक इलाका शहर सुई आपको मीडिया में भी आई थी कि उन्होंने छावनी खत्म कर दी है इस वजह से कि ये फौज जो थी बलूचों के अंदर ये फौज दुश्मन है वो खत्म हो और हम ऐसा की बात है इंशाल्लाह सब बेहतर हो हां असा इन एजेंडे के ता असा जो जेकर मुझे तकरीबन 12 महीना पुराना इंटरव्यू था रोजनामा पाकिस्तान में लियो या कैनी साहब जो हीर ऐलान कर या 12 महीना का आवाज पे उठा दो तो जनाब बलोच तवाज गदार कौन है बलोचन में गदारन बलोच कौम गदार कौन है ये गाल असा जे पंजाब असी मुखे याद आ सिंध वारन ऐलान कयो त साईं पाक फौज के लिखो असा पंजा 50,000 वॉलंटियर्स देण तैयार हो सिर्फ फी सबिल्ला पे मुल्क जो साथ पे फौज साथ दिंदा जे पंजाब पे असी पंजाब जो असा वडा भाई सिंध नडो भाई जेकर सिंध 50,000 देती तसा बलोचिस्तान वारा 1,00,000 वॉलंटियर्स देण तैयार हो जने यो जनो सा बलोचिस्तान खड़ी आस मुखे याद आ रहो दा सी सरदारन यो ऐलान कयो साई तो फौज सा गलायो तो फौज ऑपरेशन करायो असा 80 कौमी सरदार हिए रतन ता कयो जने फौज आई इंशाल्लाह बलोच कौम सारी फौज सा करे या मोहब्बत इने मोहब्बत के केर खत्म को तो कर असा के खत्म करे सकन ता असा के मारे सकन ता असा पे सिसियो खुदा कसम हत ते खायो पे भले मार शहीदन में तना रही नो असा घरा लुटायो खुदा जो कसम खणी जरे सा लाखों रुपया पे घरा भरया केड़े मकसद ला केड़े मतलब ला एकड़ो को थी ची चाहे हेतरी ताई मीडिया त सया सा ता जे हेतरा पैसा वता एकड़ो को किथे तो हुंदो हां उधार असा के का वठो ता पजे साथिया ता वठो ने जो मकसद सा कमेटी को दे कमेटी ने के साबित करे आ ताले मुजरम खुदाई के अच्छा कराची में निशानी दहशतगर्द की जो खतरो पैदा चुको है शासदान उन हवाले से किबले के दुरुस्त ना पा कन कौमी वतनी के तौर पर तुम्हें उन मुलाकात थियन मुलाकात हलो नाइन जीरो चंग जगह से पौतो अस अज भी मुतालबो है बुध छो कराची फौज के हवाले कई वे उनका अमल को फौज के फुल पावर्स दिना वन कराची फौज के हवाले कई वे अमल थे तो को थे एएनपी जो है कराची के बीर नसीर बाबर की ग्रुप इसने कहा ये असा नसीर नसीरुल्लाह बाबर साहब का नाम को उठला असा खुले हम फौज की गल कर फौज इदारो फौज के शख्सियत जो नाम को नहीं फौज जे के को टारगेट हुंदो एक मिशन हुंदो उन में कदे को मुशरफ साहब जड़ो गलत थी सके कैनी साहब गलत थी सके तो नसीरुल्लाह बाबर साहब जड़ो गलत थी सके वो ठीक है वो उन जी इशू आसा इतने फौज की गाल पे क्यों वो अज भी असा मुतालबा सुबह मुतालबा फौज अची ये मुल्क बचाए सके थे उनका सवा केर को बचाए सके बो कुछ मेहरबानी अपना तारुफ करेंगे आप लोग।